नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। सिद्धार्थनगर के इटवा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी के समर्थन में इटवा विधानसभा में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने जो भी वादा किया था वह करके दिखाया है, चाहे राम मंदिर निर्माण हो या फिर धारा 370 हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर लाभ के लिए मेडिकल और एम्स का निर्माण हो, चाहे गांव गांव घर घर फ्री बिजली पहुंचाने की बात हो, चाहे सड़कों के चोरीकरण का मामला हो, बीजेपी सरकार ने सब करके दिखाया है। अब छठे और सातवें चरण में यहां से 300 पार वाला बहुमत लाने के लिए आपको वोट देना है। माताओं भाइयों बहनों, 2017 में मैं आया था तब हमने कहा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सपा बसपा बसपा सपा ये मुआ फूटी जाने। उत्तर प्रदेश में जो गरीबी बनाने का काम हर वर्ष में एक चश्मे में उनको एक ही जाति दिखाई पड़ती है, जिससे मुझे या आपके कोई फायदा नहीं होगा। और दूसरे चश्मे से एक ही धर्म दिखाई पड़ता है, जिससे मुझे और आपको कोई फायदा नहीं होगा। समाजवादी पार्टी आएगी जो एक ही जाति का काम करेगी, बसपा आएगी जो दूसरी जाति का काम करेगी। आप सतीश को जिता दोगे तो सबका साथ सबका विकास सबका भला। फ्री सिलेंडर भी देने का काम ये भाजपा जी करता है। हमने 2,61,00,000 गरीबों के घर में 2,61,00,000 गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 2,61,00,000 गरीबों की माताएं बहने बेटियां आज तक आपके घर में 24 घंटा आदि नहीं गया।